अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करना। अभी टाइम आ रहा है जी 11:34। आज मैंने व्लॉग जल्दी स्टार्ट किया ना, एज़ यू ऑल नो कि पूरी रात काम होता है तो उसके वजह ना, तो फिर सुबह जब उठते हैं ना तो व्लॉग इसीलिए लेट स्टार्ट होता है। खैर चलो आज से पूरी कोशिश करेंगे सवेरे व्लॉग स्टार्ट करने की। 3 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, अभी थोड़ी सी बारिश रुक गई है लेकिन सुबह से ना कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। चलो ये भी अच्छा है, अभी मौसम पूरा चेंज हो गया। देखो कपड़े फिर से चेंज करने पड़े, अभी ना स्वेटर लगाने पड़ते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी फील हो रही है। चलो ये अच्छी बात है। चलो देखते हैं आज के व्लॉग में क्या इंटरेस्ट रहता है। बाकी कल के व्लॉग में जो कमेंट आया था वो आया था सुरैया की तरफ से, मेरा नाम नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर लेना बट सुरैया गांधरबल से। थैंक यू सो मच सुरैया जी, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग ना कमेंट्स करते हैं तो हर किसी का नाम मैं इंशाल्लाह रहूँगा, बस आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट होना चाहिए। जैसे आप लोग सपोर्ट करते हो ना तो दिल खुश हो जाता है। कहाँ कहाँ से देख रहे हैं लोग, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, पूरे कश्मीर से देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करोगे जैसे आप लोग सपोर्ट करते हो। चलो थैंक यू सो मच। बाकी देखते हैं आज के व्लॉग में क्या इंटरेस्टिंग रहता है, करते हैं इस व्लॉग को आगे स्टार्ट, लेट्स गो। यहाँ पे बरसाना वेट कर रही है फूड के लिए, इसको मैंने अभी ना ड्राई फ्रूट दिया है, अभी चिकन लेग्स नहीं दिया। बरसा भूख लग रही है, टिकी दे। चलो अभी इसको पहले देते हैं खाना। बाहर अभी मौसम देखो कैसा है, बारिश भी थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, ये देखो कितना पानी जमा हुआ है। तो गाइज अभी ना मन हो रहा था चाय पीने का, पहले पीते हैं चाय, लिप्टन चाय है, उसके बाद जो बाकी काम है घर में आज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे आज मन हो रहा है कि कुछ स्पेशल बनाए क्योंकि बाहर ना मौसम उतना सही नहीं है, बारिश हो रही है तो बारिश में कुछ स्पेशल बनाना ना तो अलग ही मज़ा आता है ना। चलो पहले चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद फिर देखते हैं कि क्या रहता है। अगर कुछ प्लान बन गया तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूंगा। चलो वो बाद में देखते हैं, पहले पीते हैं चाय। चाय पीने के बाद अपना काम वगैरह भी है वो भी करते हैं, घर में भी काम है वो करते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी आया हूँ मैं बाहर, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जहाँ पर मैं अभी हूँ ना यहाँ पर पूरी हमने सफाई की थी, ये देखो इस साइड। लेकिन सफाई के बाद हमने सोचा था इसको अच्छे से और साफ़ करते हैं, लेकिन फिर ना बारिश हो गई कंटिन्यूसली। अब देखो यहाँ से ठीक ठाक लग रहा है ना, पूरा हमने यहाँ पे साइड रखा था, लकड़ी वगैरह जो है वो पूरी हमने अंदर रखी है स्पेशल प्रमाण से बाहर से। इस साइड है जी मुर्गियाँ वगैरह, बाकी आज मैंने ना इस वाले में इनको रखा है कड़कनाथ, ये देखो मेरे पास अभी ये वाले कड़कनाथ है जो मैंने इसमें रखा है। ये जो फीड है ना मेरे जो छोटे चिक्स है ना उनके लिए है, ये देखो। अभी मुझे ना मार्केट जाना था, अभी बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी बट थोड़ा बहुत मैं अंदर बैठा था, बाहर निकला इतनी ज़ोर से फिर से बारिश हो गई। अभी शायद अगर गाड़ी घर पे नहीं होगी ना तो फिर मुझे ना किसी गाड़ी में जाना पड़ेगा क्योंकि बाइक पे तो चांस ही नहीं है, बाइक पे जा नहीं सकते हैं। चलो देखते हैं, अगर गाड़ी घर पर होगी ना तो गाड़ी में जाएंगे, मुझे ना मार्केट जाना अभी ज़रूरी है इस टाइम। पहले मैं खाना खाऊँगा, खाना खाने के बाद फिर आराम से जाएँगे बाहर। देखो यार कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है, बाइक पर जाना तो सवाल ही नहीं बनता। चलो थोड़ा बहुत नहीं यार, अब तो गाड़ी में ही जाएंगे, पहले देखते हैं गाड़ी होगी क्या। ऑलराइट गाइस, चलो अभी मुझे ना मार्केट जाना है, खाना वाना हो गया, बाहर अभी बारिश हो रही है, मैं ना अभी जाऊंगा गाड़ी से, मुझे थोड़ा सा काम है जो कि इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं जा रहा हूँ। वैसे मन कर रहा है कुछ स्पेशल बनाने का, चलो वो आगे पता चलेगा कि क्या लेके आएंगे, ठीक है ना। चलो जी बाहर जो अभी नज़ारे हैं ना, सीरियसली अमेजिंग नज़ारे हैं इस साइड, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड पहले ना शीशे को ना थोड़ा सा नीचे करता हूँ। सीरियसली बादल देखो आप कितने नीचे आए हुए हैं, माशाल्लाह क्या खूबसूरती है। मेरा होम टाउन हमेशा के लिए खूबसूरत लगता है, चाहे वो विंटर हो चाहे कुछ भी हो, कितनी भी धूप हो फिर भी ये ना यहाँ से जब मैं जाता हूँ ना, ओब्वियसली आपने बाइक पे देखा होगा काफ़ी बार, अगर आप मेरे वीडियोस कंटिन्यूसली देखते होंगे तो आपको पता होगा ये ना काफ़ी खूबसूरत लगता है यहाँ से, अभी ना काफ़ी मतलब अमेजिंग लग रहा है, अमेजिंग। जब भी मार्केट पहुंचता हूँ ना गाड़ी लेके, बस एक चीज़ नहीं होना चाहिए वो है ट्रैफिक। भाई साहब अगर यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक हुआ ना तो इतना टाइम लगता है ना यहाँ से निकलने में, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो गाइज अभी मैं मार्केट में वेट कर रहा हूँ एक्चुअली एक बाइक का, वो ना जस्ट आ रहा है, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं घर, कुछ सामान भी लेना है वो हम बाद में लेंगे, बस ये वेट करना मेरे को ना अच्छा नहीं लगता है। सीधा बोल यार आना है नहीं आना है, वेट करवाना यार।
चलो 5-10 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकल रहे हैं। वैसे भी थोड़ी सी भूख भी लगी यार, खाना खा के फिर से भूख लग रही है, समझ नहीं आ रहा है क्यों। अभी ना चलते हैं मुझे लग रहा है वापस घर, क्योंकि काम तो मुझे लग रहा है नहीं निकलेगा आज ना। एक इम्पोर्टेंट काम था पेंडिंग ही रह गया। तुमने अपना काम कर दिया क्या? सब कुछ सामान ले लिया? इसको ना कुछ दिन के बाद निकलना है जी यहाँ से। कहाँ जाना है? वापस आउट ऑफ स्टेट? पहली बार जा रहे हो ना? चलो देखते हैं ना कब तक बैठोगे आप वहाँ, या फिर ऐसा नहीं बोलोगे कि चलो आप वापस चलेंगे घर? नहीं नहीं, मुझे एक्सपीरियंस है भाई बाहर रहने की, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो मेरे से कॉन्टैक्ट करना, ठीक है? चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, सामान वगैरह जो भी था वो सब ले लिया, अभी निकलते हैं यहाँ से घर। बाहर अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। चलो जी गाइज, अभी यहाँ से निकलते हैं, आपसे मिलते हैं जी सीधा घर में। तो गाइज अभी जो टाइम आया है ना, 8:24, बाहर इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है ना। जब मैं मार्केट से वापस आया ना, घर में एक प्रॉब्लम हुई थी, जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने ना मुर्गे लाए हैं जो मेरे पास है अभी, तो उनमें पता नहीं यार अचानक से कौन सी बीमारी हुई है, एक दो ना उनमें से मर गए, मेरे को कोई आइडिया नहीं हुआ कि उनको क्या हुआ सीरियसली। आज ना उसके बाद जब वापस आया घर, फिर ना मैं इधर उधर मतलब मेडिसिन के पीछे कि कौन सा मेडिसिन है, काफ़ी सारे मेडिसिन मैंने ट्राई किया है, लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है। बाकी अगर आप में से किसी को आइडिया है कि कौन सा मेडिसिन जो है वो अच्छा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं उनको दे दूँ। मुझे लग रहा है उनको सीआरडी है, तो मेडिसिन मैंने दे दिया है, लेट्स सी कल तक कैसा क्या रिज़ल्ट आता है। बाकी होप करता हूँ कि और मोर्टेलिटी ना हो जाए। उसके बाद बिल्कुल यार वीडियो नहीं बना पाया। सामान लेने के बाद जब घर आया ना, मैंने सोचा था कुछ स्पेशल ट्राई करेंगे, लेकिन किसी और दिन करेंगे, कल या फिर परसों, बट आज नहीं कर पाया। इसी रीज़न नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी था। अभी देखते हैं क्या रहता है, होप करता हूँ कि सब सही हो जाए। अभी मुझे लग रहा है इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आज का वीडियो जो है वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर पहली बार देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।